शिवजी के शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। अब कितनी सरल शिव महापुराण की कथा है, कल की कथा में अपन ने श्रवण करा था। देवव्रत की बेटी का कल्याण कैसे हो गया? केवल मंदिर में जो कीचड़ हो जाता है चलने से, और उस कीचड़ को जो धोया गया उसका जो पानी था वो उस पर चले गया और उससे उसका कल्याण हो गया। जरा विचार करिए कल्याण कैसे होता। कई लोग कहते हैं भगवान राम जब चले तो उन्होंने अपना चरण माता अहिल्या को लगाया और वो पत्थर से नारी प्रकट हो गई। पत्थर से नारी प्रकट हो गई, केवल चरण लगाया पर नारी प्रकट हो गई। पर शिव महापुराण कथा में जो राम जी का थोड़ा सा संवाद दिया है, मेरे राम का जो गुणगान करा गया है, उस गुणगान में कहा गया कि मेरे राम जी ने चरण नहीं लगाया, मेरे राम जी ने तो केवल चरण उठाया था और उठाते से नीचे से पवन देव ने हवा चलाई और जो हवा चली तो उनके चरण की रज उड़कर उस पत्थर पर पड़ी और उसका कल्याण हो गया। मेरे राम किसी स्त्री को किसी नारी को कभी चरण नहीं लगा सकते। मेरे राम किसी स्त्री को चरण नहीं लगा सकते। कहने वालों ने कह दिया कि राम जी ने चरण लगाया पत्थर को और वो नारी हो गई। ना 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 ना, मेरे राम जी को गुरु बाबा कह रहे हैं कि ये संत की पत्नी है, ऋषि की पत्नी है, गलती हो गई इसलिए पत्थर बन गई, तो फिर भी मेरे भगवान उसको लात लगाए। हमारे सनातन धर्म में झाड़ू को भी अगर लात लग जाती है, पांव लग जाता है, तो बोलो रे कंजरी वालों प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो? झाड़ू को भी अगर लात लग जाए तो हम प्रणाम करते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म में यहां तक वर्णन किया गया कि अगर पहले के समय में बुजुर्ग लोगों का पहले का नियम था, घर की कोई बड़ी, घर का कोई बड़ा गाय के गोबर से अगर घर को लीपता था तो छोटा उसमें से निकल कर जाती थी ना, छोटी बहू या छोटी व्यक्ति कोई निकल कर जाता था तो पहले उसको प्रणाम करता था, इसके बाद लात रख कर निकल कर जाता था। यहां तक हमारा शास्त्र कर, ये भारत की सभ्यता और ये भारत की संस्कृति है। दुनिया में कजन ना जाने कितने विधर्मी लगे हुए हैं चारों तरफ से सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए। नवयुवक बेटे और बेटियों को भटकाया जा रहा है, नवयुवक बच्चों को भटकाया जा रहा है, केवल इसलिए कि सनातन धर्म बर्बाद हो जाए, सनातन धर्म नष्ट हो जाए। लोग मंदिर ना जाएं, देवालय ना जाएं, भगवान के भजन पूजन ना करें, भगवान का स्मरण ना करें, भगवान का कीर्तन ना करें, भगवान का मंत्र जाप ना करें, भगवान की भक्ति में ना डूबें। केवल नवयुवक लोगों को भटकाया जाए, क्योंकि कारण एक है। एक कारण हमारे यहां पूर्व में भी कहा गया और आज फिर कह रहे हैं, किसी राष्ट्र को अगर बर्बाद करना है, किसी राष्ट्र को यदि गुलाम करना है, किसी राष्ट्र को अगर पूर्ण तरह से नष्ट करना है, तो पहले उस राष्ट्र की संस्कृति को, उसके संस्कारों को और उसकी सभ्यता को बर्बाद करा जाता है, फिर पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता है, पूरा राष्ट्र बर्बाद हो जाता है। जिन्होंने कहा, कई लोग अपने अपने प्रवचन में अपने अपने भाव में कह देते हैं कि राम जी ने चरण लगाया और नारी तर गई। ना ना, मेरे राम, मेरे राघव जी, मेरे राम जी जब उनको मालूम पड़ गया कि इसमें स्त्री है, उनको मालूम पड़ गया कि गलती के कारण श्राप लग गया, पत्थर की हो गई, तो मेरे राम चरण नहीं लगा सकते क्योंकि ये संत की पत्नी है। मेरे राम जी ने तो चरण उठाया था, उठाया, पवन देव को इशारा करा, उनने हवा चलाई और वो रज अहिल्या को लगी, पत्थर को लगी और वो स्त्री प्रकट हो गई, ऐसे मेरे राम है। उनको चरण लगाने की जरूरत ही नहीं थी। हमारा सनातन धर्म तो यहां तक कहता है देली, देली जानते हो आप लोग, चौखट, दरवाजा, द्वार,
यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि पहले घर की बहुएं जब निकलकर घर से बाहर जाती थी, अपने मायके जाती थी, तो देहली का पांव पड़कर जाती थी, दरवाजे का पांव पड़कर जाती। अब सोचो कितना विचित्र हमारा सनातन धर्म होगा। महाराज 20,600 नदी भारत की भूमि पर है। कितनी है जम के बोलो जरा। 20,600 नदियां भारत की भूमि पर विराजमान है, और ये 20,600 नदियां जहां जहां से निकल कर जाती है और जैसी जैसी निकल कर जाती है, प्रत्येक क्षेत्र में उसको माता कहकर पुकारा जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। 20,600 पवित्र नदियां हैं। वेदव्यास जी ने शिवमहापुराण के अंतर्गत वर्णन करा, स्कंद पुराण में वेदव्यास जी ने लिखा, अगर 20,600 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर हैं और 20,600 नदियों में भी आप अगर स्नान नहीं कर पाए, 20,600 नदियों में भी आप डुबकी नहीं लगा पाए, 20,600 नदियों का कभी तुम दर्शन नहीं कर पाए, 20,600 नदियों तक तुम नहीं पहुंच पाए, 20,600 नदियों का आचमन नहीं कर पाए, 20,600 नदियों पर तुम पहुंच नहीं पाए, 20,600 नदियों का तुमने आचमन करा, ना स्नान करा, ना दर्शन करा, तो भी शिव महापुराण की कथा में वेदव्यास जी ने लिख दिया कि अगर 20,600 नदियों तक न पहुंच पाओ तो एक बार शिव महापुराण की कथा तक पहुंच जाना, पूरी नदियों की पवित्रता का भाव तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। 20,600 नदियों तक ना जा पाओ, 20,600 नदियों में स्नान ना कर पाओ, 20,600 नदियों तक तुम आचमन ना कर पाओ, 20,600 नदियों का तुम दर्शन ना कर पाओ, 20,600 नदियों का तुम स्मरण ना कर पाओ, तो एक शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाओ, 7 दिन में तुम प्रतिदिन उन पवित्र नदियों का स्मरण अपने आप तुम्हें होता चले जाएगा, और ये शरीर को वो 20,600 नदियों का पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। क्या शिव तत्व महाराज, ये तो वो अविरल गंगा है, अविरल भक्ति है जिसको हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। किसी ने कहा भगवान की कथा कितनी बार सुनना चाहिए, हजारों बार सुनना चाहिए। ये है कंजरी के लोग, दमदारी से बोलते हैं चिल्लाकर, हजार बार तो सुन ही लो। जितनी बार गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर जितनी बार गाड़ी चलाएगा 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 चलाएगा, उतना उस्ताद होते चले जाएगा, और जब उस्ताद होते चले जाएगा तो उसको फिर गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो साइड में बैठेगा और अपने कंडक्टर से कहेगा तू चला, वो भी दूसरे को चलाना सिखा देगा, और ऐसा चलाना सिखाएगा कि आराम से जो गाड़ी चलाना सीख गया, खूब मंच गया, वो ट्रक के ऊपर आराम से गाड़ी बिछा के सो जाता है। कंडक्टर को भी उसने तदमदार बना दिया कि गाड़ी वो चला लेता है। उसी तरह जो बार बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, सुनता है, हमने 10 बार सुनी, हमने 15 बार सुनी, हम 3 साल से सुन रहे हैं, हम 4 साल से सुन रहे हैं, हम आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, हम ऐसे सुन रहे हैं, हम कथा को ऐसे श्रवण कर रहे हैं, हम मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, हमने इतनी बार सुन ली। जितनी बार श्रवण करोगे, जितनी बार सुनते चले जाओगे, सुनते चले जाओगे, सुनते चले जाओगे, उतने उस्ताद बनते चले जाओगे, और ये विश्वास कहता है दूसरे को भी तुम कथा में लगा दोगे। ये विश्वास शिव महापुराण, ये भरोसा शिव के तत्व का है, शंकर का है।
कोई कोई कपड़ा सस्ता होता है और जो सस्ता होता है वो कलर छोड़ देता है। बोलो रे भाई, यहाँ सूरत वाले भी बैठे होंगे, इनको तो ज्यादा मालूम होगा क्योंकि कपड़े की ज्यादा दुकानें, कपड़े की ज्यादा फैक्ट्रियां सूरत में, उनको ज्यादा अंदाजा होगा। सूरत वाले, एक गोयल परिवार भी आया होगा शायद सूरत से, जिन्होंने पहले कथा करवाई है सूरत में, तो उनकी भी फैक्ट्रियां हैं दो चार। अब तो उनने फ्रांस में भी शायद फैक्ट्री वगैरह खोल ली है। तो अब जरा विचार करिएगा, जरा स्मरण करिएगा, कपड़ा सस्ता है तो वो पानी में डाला, अब तुम्हें नहीं मालूम था कि ये कलर छोड़ देगा, और तुमने डाला और दूसरे कपड़ों के साथ डाल दिया तो उसने कलर छोड़ दिया। अब तुम्हें कितना गुस्सा आया, कितना बताओ। मेरी भी मती मारी गई थी, मैं भी कहाँ चली गई थी, मुझे कहाँ मालूम था कपड़ा कलर छोड़ देगा। और कैसा कलर छोड़ा उसने, ये कपड़े ने दूसरे कपड़े को कलर में कर दिया। अब धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धो ले अब खूब धो, उस कपड़े का कलर छूटेगा जिसमें लग गया? नहीं छूटेगा। सस्ता था, बहुत महंगा था कपड़ा, तो वो कलर नहीं छोड़ा। बहुत महंगा था, कलर नहीं छूटा, कलर नहीं छूटा तो उसने दूसरे कपड़े को नहीं रंगा, पर सस्ता था इसलिए कलर छोड़ दिया। कोई कोई बहुत वीआईपी होता है, उसका कलर नहीं छूटता, वो उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं कि कोई भजन करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, कथा सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक, पर जो सस्ता होता है, एकदम सरल जो होता है, बिल्कुल सस्ता, वो कपड़ा ही एक ऐसा होता है जो कलर छोड़ के दूसरे को भी कलर में रंग देता है, वो सस्ता है। ये अब लोगों ने कहा 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे सरल, सबसे सस्ता एक ही देव, बोल दो जम के, महादेव। ना अंबर चाहिए, ना पीतांबर चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना सत्ता चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना अंबारियां चाहिए, केवल एक लोटा जल। और तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है तो शंकर जी की कथा कहती है, उन्हीं की उठा के धो के उन्हीं को चढ़ा दो, उनको बुरा नहीं लगता, बड़े खुश होते हैं। अब तुमने जो शिव जी को चढ़ाया, शिव जी की बेलपत्र उठाकर शिव जी को चढ़ाया, शंकर खुश हो गए। अब ये काम तुम किसी वीआईपी के घर पे जाना, प्रैक्टिकल करो, किसी वीआईपी के घर पर जाना और उसके सोफे पर बैठना और विचार करना, मैं तो कुछ लेकर आई नहीं, कुछ मत, उन्हीं के घर का कोई सामान उठा लेना, उन्हीं के घर का, और उसको एक अखबार में लपेट के हैप्पी बर्थडे टू यू, बस उन्हीं का सामान, उन्हीं का वस्तु, उन्हीं की सामग्री उनको दे दो। अब वो जब खोलेगा फिर कंजरी वालों, तुम हालोल वालों को मत दे देना रे। फिर वो खोले और खोल के जब बोले, और बोले तो तुम डोले, ये पक्का है। अब वो बोले, अब विचार करो, मेरा देवदीदे महादेव कितना सरल है, मेरा देवदीदे महादेव कितना सस्ता, कितना सरल, उसी की बेलपत्र उठाकर उसको चढ़ा रहे हो। और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बेलपत्र नहीं है, स्कंद पुराण करिए, नर्मदा पुराण करिए, लिंग पुराण करिए, अगर बेलपत्र नहीं है उसकी उठा के धोके उसी को चढ़ा दो। तो क्या होता है,
शिव महापुराण की कथा कहती है, हजारों तीर्थों का फल एक साथ प्राप्त हो जाता है। इतना फल है बेलपत्र को उठाकर दे देने पर, चढ़ाने पर। अब विचार करिए, दूसरे का सामान उठाकर दूसरे को दे दोगे तो फिर क्या स्थिति होगी? वो चिल्लाएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा और गालियां देगा, अपशब्द कहेगा, ताने देगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, बोलते जाएगा, बोलते जाएगा। दे दिया उसको। अब इतना सरल देव कहां से लाओगे? बोलो, इतना सरल कहीं मिलने वाला? और उसने कह दिया, अगर पानी भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, तो एक काम करो, बस मेरे पास में आके तीन बार ताली बजा दो। एक बार देवाधिदेव महादेव गुजरात घूमने के लिए आ गए। पार्वती जी से बोले कि काशी में तो बहुत घूमी हो, चलो मैं तुम्हें सोमनाथ घुमा लाऊं। पार्वती जी बोली, सोमनाथ वो चंद्रदेव की काया का रोग समाप्त किया था आपने? हाँ, जिसके पीछे दक्ष प्रजापति ने मुझे श्राप दिया था, वो सोमनाथ। चलो, नवरात्रि का समय था, माता होन खूब सारा गरबा रम रही थी। अब गरबा रमते रमते लोग, वो तुमने देखा होगा, पहले ये डंडा वंडा से नहीं रमते थे, पहले तो हाथ से रमते थे। अब वो पार्वती जी इतनी खुश हो गई, माता पार्वती जी ने कहा, देखा, भले तुम्हारे दो ज्योतिर्लिंग है पर सत्ता मेरी है, देख लो तुम। पूरे भारत में माता जी के मंदिर, टेकरी, माता जी की बड़े बड़े विशाल मंदिर पूरी दुनिया में जितने कहीं नहीं होंगे, उतने गुजरात में होंगे। आई मेरी मां, गरबा चल रहा, रम रहा, सब देख रही मेरी माँ, और भोलेनाथ जी से बोली, देख लिया कितनी सत्ता है अपनी, देखो आप कितनी सत्ता मेरी, कितना वैभव मेरा, कितना आनंद। शिव जी ने कहा, बुन भले भजन तेरा कर रही है पर रिझा मुझे ही रही है। पार्वती जी ने कहा, आपको रिझा रही है? हाँ, तू खुद देख ले, किसी देवी देवता के मंदिर में ताली बजाने का प्रमाण है क्या? निकालो जरा, शास्त्र निकालो, किसी पुराण में लिखा, विष्णु पुराण में यह लिख दिया कि भगवान विष्णु के मंदिर में जाना और जाकर तीन बार ताली बजाना, इंद्र के मंदिर में जाना तीन बार ताली बजाना, देवी के मंदिर में जाना तीन बार ताली बजाना, गणेश जी के मंदिर में जाना तीन बार ताली बजाना, या किसी देवी देवता के मंदिर में जाके ताली बजाने का प्रमाण हो तो बता दो, है कहीं? पर स्कंद पुराण और शिव पुराण, लिंग पुराण और नर्मदा पुराण कह रही है, यहां तक ब्रह्मवेत्ता पुराण भी कह रही है कि ताली बजाने का प्रमाण केवल देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद में ही है, वहां बजाई जाती है, शिव के पास में। तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, भले ये भजन तेरा गा रही हो, नाच रही हो, पर ये तुझे कम रिझा रही है, मुझे ज्यादा रिझा रही है। जब इधर ताली बजाती है फिर उधर बजाती है, ये यही कहती है, मेरा महादेव, मेरा। पार्वती जी बोली, अब मेरे से बात मत करना, मैं चली काशी, पहुंच गई काशी। अभी तुम लोग पंछी रारे उड़ के जाना पागल है।
माँ काली ने जय ने। अब देखो हम तो बोले नहीं, तुमने ताली बजाई मतलब महादेव को रिझाया। पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, पंछीड़ा ओ पंछीड़ा, आओ से हो पंछीड़ा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवलीदेव महादेव की कथा करें। सहज है, सरल है, कोई महंगी पूजा नहीं मेरे महादेव की, कोई बहुत वैभव देने की जरूरत नहीं मेरे महादेव। मेरे महादेव को तो केवल आपका निर्मल मन चाहिए, हृदय श्रेष्ठ चित्त चाहिए, भाव शुद्ध। और जब निर्मल मन हो जाता है, भाव शुद्ध हो जाता है, तो अपने आप मेरा देवाधिदेव महादेव आपके सम्मुख में प्रकट हो जाता है, वो सम्मुख में आ जाता है। उसका भाव शुद्ध होना चाहिए, केवल भाव। वो कारकोट सांप, नाग, सर्प सामने बैठा है शिवलिंग के बिल्कुल सम्मुख, विनय, कोई प्रार्थना नहीं है। आपको मंत्र नहीं आता, विद्या नहीं आती, साधना नहीं आती, तप नहीं आता, आप बहुत घंटों तक बैठकर भगवान का भजन नहीं कर सकते, आप घंटों तक बैठकर भगवत कीर्तन नहीं कर सकते, आप घंटों तक बैठकर भगवत नाम का जाप नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल चढ़ाने में घंटों नहीं लगते, केवल एक क्षण लगता है, और उसमें पूरी साधना, उसमें पूरा आपका तप बल भजन सब आ जाए। बैठा कारकोट शिवजी के सम्मुख में, बैठा बैठा बैठा, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे एक बार पार्वती मैया को भगवान शंकर ने काली कह दिया था, हंसी में, एक प्रेम की भाषा। और पार्वती मैया क्रोध में आकर रुष्ट होकर वन में चली गई, जंगल में चली गई। अब देखना जरा, केवल बैठे रहने का फल देखिएगा, केवल बैठे रहने का। पार्वती मैया जंगल में गई, वन में गई। जो माता पार्वती जी जंगल में जा रही हैं, वन में जा रही हैं, पार्वती मैया वन में प्रवेश कर रही हैं। जो जा रही है, देखा पार्वती जी को एक सिंह ने देखा, एक शेर ने देखा, और सोचा आज तो मनुष्य का मांस खाने को मुझे मिलेगा। पार्वती मैया धीरे 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 चलते चलते, शेर उनके पीछे, मौका की तलाश। पार्वती मैया एक शिखर पर चढ़ गई, एक टेकरी पर, एक पर्वत पर चढ़कर बैठ गई। सिंह ने मन में सोचा अभी टेकरी एक ही है, पहाड़ एक ही है, पर्वत एक ही है, आएंगी माँ, ये स्त्री नीचे आएगी, मैं इसको खा लूंगा। शेर नीचे बैठा हुआ है, पार्वती मैया ऊपर बैठी है, शिव जी ने उनको काली कह दिया तो वो तप में लीन हो गई, उठी नहीं रही है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, देवी भागवत कहती है, कई वर्ष तक माता पार्वती तप में लीन हो गई। शेर पार्वती जी को, उस स्त्री को खाने के लिए, उस नारी को खाने के लिए नीचे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा और इंतजार करता रहा, ये नीचे उतरेगी मैं इसको खाऊंगा, ये नीचे उतरेगी मैं इसको खाऊंगा। वर्षों निकल गए, वर्षों शेर बैठा रहा। पार्वती मैया ऊपर से नीचे आई, शेर को माता पार्वती जी ने देखा और माता पार्वती जी ने कहा, जितना समय मैंने तप करा उतना समय तूने तप करा, मैंने शिव जी को पाने के लिए तप करा, तूने मुझे खाने के लिए तप करा, ले मेरा शरीर मैं तुझे देती हूं, खा ले। शेर शीश नवा कर कहता है, माँ मैं आपको पहचान गया, आप साधारण नहीं हो, आपकी सेवा में मुझे रख लीजिए, बस इतनी कृपा। और माता पार्वती जी उस शेर को अपनी सवारी बना लेती हैं, अपने साथ रख लेती हैं। वो शेर माता पार्वती के पास में, उस शेर ने ना मंत्र पढ़े, ना साधना करी, ना तप करा, ना कोई उपास करा, ना कोई व्रत करा, बस वो शेर एक काम करा कि वो टेकरी पर माता के सम्मुख में बैठा रहा, इंतजार करता रहा, आएगी नीचे खाऊंगा, आएगी नीचे खाऊंगा, अगर मैं पानी पीने चले गया, ये चली गई तो मैं किसको खाऊंगा, मैं कहीं चला गया शिकार करने तो मैं किसको खाऊंगा, इंतजार करता रहा। वो इंतजार करता रहा, केवल बैठा, केवल बैठा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हम कथा सुनने के लिए जाते हैं, हमें कथा याद तो रहती नहीं है, हमको कथा याद नहीं रहती। आप में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनको कथा याद नहीं रहती होगी। तो किसी ने कहा, गुरुजी हम कथा सुनने जाते हैं, कथा याद तो रहती नहीं है, तो फिर कथा सुनने से फायदा कौन सा है, जब याद ही नहीं रहे तो फायदा कौन सा है। हमने उसको एक बात कही, एक बात बता, कि तुम कह रहे हो कि हम कथा सुनने जाते हैं और कथा याद नहीं रहती, हमारा एक निवेदन है, 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने क्या खाया था, तुमको याद है क्या? अरे बोलो तो रे कंजरी वालो, चलो तुम्हें याद नहीं होता, हालोल वालो तुम बोलो रे। 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने क्या खाया तुम्हें याद नहीं है, पर 2 महीने पहले 5 तारीख को तुमने जो खाया था तुम्हारे शरीर में वो गया, रक्त बना, शरीर में गया रक्त बना, रक्त बनने के बाद वो तुम्हारे शरीर में आज तक दौड़ रहा है। वो रक्त जो तुम्हारे शरीर में 2 बूंद 4 बूंद 5 तारीख को जो तुमने खाया था भले याद ना हो, पर शरीर में रक्त बनकर वो तुम्हारे शरीर में आज तक दौड़ रहा है। उसी तरह शिव पुराण तुम्हें याद रहे ना रहे, मरते दम तक वो तुम्हारे जीवन में दौड़ती रहती है, मरते दम तक। पहले कथा में कहा है, प्रत्येक मनुष्य 200 ग्राम भोजन ग्रहण करता है, कितने ग्राम? 200 ग्राम भोजन करता है, 200 ग्राम भोजन का 20 बूंद खून बनता है, कितना? ओनली 20 बूंद, केवल 20 बूंद खून बना, बाकी का जो भोजन करा था वो मल में निकल गया, गंदगी में निकल गया, केवल 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून का 1 बूंद बल बनता, शरीर में ताकत 20 बूंद खून में से 1 बूंद खून की ताकत इस शरीर को मिलती है, और वो 1 बूंद ताकत मनुष्य को चलाती रहती है।
और काम करवाती रहती है। जरा विचार करना, 200 ग्राम खाया तो 20 बूंद खून बना, 20 बूंद खून का एक बूंद ताकत बनी और वो तुमको घुमा रही है, चला रही है, फिरा रही है, काम करा रही है। उसी तरह 7 दिन की 21 घंटे की कथा होती है। एक दिन में 3 घंटा, 7 दिन में 21 घंटे की कथा श्रवण करते हो। 21 घंटे की कथा में से मात्र थोड़ी सी कथा तुम्हारे जीवन में पहुंचती है और वो थोड़ी सी कथा में से भी अगर एक क्षण की भी बैठ गई तो वो तुम्हें शिव से मिला देती है। एक क्षण की भी अगर मिल गई तो वो शंकर से मिला दे, देवाधिदेव महादेव से मिला दे, भगवान शंकर से सामना करा दे। बहुत, बस प्राप्त करने वाला चाहिए। शेर सामने बैठ गया, बोला नहीं, चाला नहीं, कुछ नहीं करा, पार्वती जी ने अपने साथ रख लिया। कारकोट सांप शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया, बोला नहीं, चाला नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, विद्या नहीं, कुछ भी नहीं। शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का गुणगान, शिव का भजन, शिव का कीर्तन, शिव का स्मरण, शिव का भजन, शिव का कीर्तन। एक पत्र आया है पर हम उसको पढ़ेंगे नहीं। वो पत्र हम पढ़ेंगे नहीं, परंतु वो पत्र हम संत समाज को जरूर देकर जाएंगे। और जब भी एक निवेदन इस व्यासपीठ से कर जाऊंगा उस पत्र के लिए, आदरणीय परम पूज्य महंत श्री रामचरण दास जी महाराज जी से और संपूर्ण संतों के पास में वो पत्र देऊंगा मैं गुरु महाराज को, पर पढ़ूंगा नहीं इस व्यास में, पर उस पत्र के लिए मैं निवेदन जरूर करूंगा कि इस पत्र का समाधान हम नहीं कर पाएंगे, इस पत्र का समाधान संत जरूर करेंगे। वो पत्र मैं पढ़ूंगा नहीं, वो पत्र ये इन पत्र में पत्र है वो निकाल के रख दूंगा, मैं देखकर जरूर जाऊंगा। और बड़ा विचित्र पत्र है, बड़ा विचित्र, और उसका समाधान संतों के पास में है, उसके सिवाय किसी के पास उसका समाधान नहीं। संत जब हुंकार भरते हैं तो अच्छा अच्छा समाधान हो जाता है। संत जब हुंकार भरते हैं तो अच्छा अच्छा समाधान हो जाता। महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कर केवल बैठना महादेव के सम्मुख, केवल शिव जी की साक्षी में बैठना, शंकर भगवान की कथा में जाकर। कई लोग कहते हैं महाराज जी कथा में जाकर बैठने से फायदा क्या है, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं हो, कम से कम एक फायदा तो है, 3 घंटा तुम झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटा तुम पाप तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम कपट तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम बेईमानी तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा तुम मोबाइल पर किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो, 3 घंटा कम से कम भगवान के चरणों में बैठे ही होना। कुछ नहीं मिला तो ये तो मिला कि मन थोड़ी देर शांत तो रहा, उतना ही बहुत है। उतना ही बहुत। आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका चित्त जब महादेव के चरणों में रमता है, आप कुछ नहीं देते महादेव को, कुछ नहीं, केवल भजन करते हो आप, केवल भजन। जरा विचार करना, कल व्यासपीठ से कहा था शिव मंदिरों में ताले लगे होते थे और जाले पड़े होते थे, कोई नहीं जाता था, केवल शिवरात्रि पर और सावन के महीने में महादेव की याद आती थी। आज कम से कम शिवालय में लोग जा रहे हैं, प्रेम बरस रहा।